हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कक्षा 11वीं एनसीईआरटी रसायन विज्ञान का तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता। इसके 6 वीडियोस में मैंने आपको थ्योरी और 7वें वीडियो में प्रश्नोत्तर कराना शुरू किया था। अब हम इस 8वें वीडियो में प्रश्नोत्तर को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें 16वां प्रश्न आ चुके हैं अपन। द्वितीय आवर्त के तत्वों में वास्तविक आयनन एंथैल्पी का क्रम इस प्रकार है। देखिए, आवर्त में जब हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो आयनन एंथैल्पी का मान लगातार बढ़ना चाहिए, लेकिन बीच बीच में ऐसा होता है कि कुछ तत्व जो बाद में आते हैं उनका कम और पहले आते हैं उनका ज़्यादा हो जाता है, जबकि कंटिन्यू होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, लिथियम के बाद बेरिलियम आना चाहिए तो बोरान आ गया है, क्योंकि ये इसके बाद आना चाहिए। कार्बन, फिर नाइट्रोजन आना चाहिए तो ऑक्सीजन आ गया है, फिर फ्लोरीन है, फिर नियॉन है। तो ये दो ऐसे हैं कि बेरिलियम यहाँ आना चाहिए बोरान के जगह में और नाइट्रोजन यहाँ आना चाहिए ऑक्सीजन के जगह में। ऐसा क्यों हुआ कि ये उलट गया है, इसको हमको व्याख्या करनी है। ठीक है, पहला देखिए क्या लिखा है। बेरिलियम की बोरान से अधिक क्यों है और ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से और फ्लोरीन से कम क्यों है। तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4 इलेक्ट्रॉन का होगा, 1s² और 2s², जबकि बोरान का 5 है तो 1s², 2s², 2p1 हो गया। अब देखिए कि अगर हम 2s² में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमको ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, जबकि 2p1 थोड़ा दूर में भी है इसलिए इसको कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। और ये चूंकि पूरा भरा हुआ है, ये अर्धपूरित हो गया, इसलिए ऐसा हुआ कि बोरान की आयनन एंथैल्पी बेरिलियम से कम है, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा बाहर का इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ रहा है। ठीक है, देखिए बोरान में इसके एक 2p कक्षक में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम में युग्मित इलेक्ट्रॉनों वाले पूर्ण पूरित 1s और 2s कक्षक हैं। ठीक है, 2s कक्षक हैं। जब हम एक ही मुख्य क्वांटम ऊर्जा स्तर पर विचार करते हैं तो s इलेक्ट्रॉन p इलेक्ट्रॉनों की तुलना में नाभिक की ओर अधिक आकर्षित होते हैं, क्योंकि s ज्यादा पास में होते हैं, p थोड़े दूर होते हैं, d और दूर, f और दूर होते हैं। बेरिलियम में बाह्यतम इलेक्ट्रॉन जो अलग किया जाएगा वह s इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, वो s इलेक्ट्रॉन होगा, जबकि बोरान में बाह्यतम इलेक्ट्रॉन जो अलग किया जाएगा वो p इलेक्ट्रॉन होगा। उल्लेखनीय है कि नाभिक की ओर एस इलेक्ट्रॉन का भेदन, एक एस इलेक्ट्रॉन का भेदन 2p इलेक्ट्रॉन की तुलना में अधिक होता है। इस प्रकार बोरान का 2p इलेक्ट्रॉन बेरिलियम के 2s इलेक्ट्रॉन की तुलना में आंतरिक क्रोड इलेक्ट्रॉनों द्वारा अधिक परिरक्षित होता है। चूंकि बेरिलियम के 2s इलेक्ट्रॉनों की तुलना में बोरान को 2p इलेक्ट्रॉन अधिक सरलता से पृथक हो जाता है, बोरान का 2p इलेक्ट्रॉन अधिक सरलता से पृथक हो जाता है, अतः बेरिलियम की तुलना में बोरान की प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है। बहुत सारा प्रिंट मिस्टेक दे दिया है इस वेबसाइट ने, मैं आपको बता रहा हूं क्या है। 2s इलेक्ट्रॉन है बेरिलियम में, 2p इलेक्ट्रॉन है बोरान में। तो बोरान का जो 2p इलेक्ट्रॉन है आंतरिक इलेक्ट्रॉनों यानी 2s 1s इलेक्ट्रॉनों के द्वारा एक तो परिरक्षित है, शील्डिंग इफेक्ट, इसके कारण से भी आकर्षण बल कम हो गया नाभिक के साथ, और 2p थोड़ा बाहर में भी है इसके कारण से दूर हो गया इसलिए भी कम हो गया आकर्षण बल। तो जिसका आकर्षण कम रहता है उसको आसानी से पृथक कर सकते हो, इसलिए बोरान का 2p इलेक्ट्रॉन बेरिलियम के 2s इलेक्ट्रॉन की तुलना में ज्यादा आसानी से निकलता है, इसलिए उसकी आयनन एंथैल्पी कम है। दूसरा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, तो ये हो जाएगा 1s² 2s² 2p1 1 1। ठीक है, मतलब p में आप देखेंगे तो तीन ब्लॉक में एक एक इलेक्ट्रॉन है अभी नाइट्रोजन में। ठीक है, जब ऑक्सीजन में कहेंगे तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो आपको बता दें कि किसी भी उपकोष में अगर अर्धपूरित है
या पूर्ण पूरित है तो वो ज्यादा स्थायी हो जाता है। तो नाइट्रोजन में आप देखिए कि 3 इलेक्ट्रॉन है पी कक्षक में, तो वो अर्धपूरित है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल है। जबकि ऑक्सीजन में अब अर्धपूरित से थोड़ा ज्यादा हो गया, एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया, इसको ये आसानी से दे देगा, जिसके कारण से इसकी आयनन एंथैल्पी कम हो जाती है। ठीक है, स्पष्ट है कि नाइट्रोजन में तीनों बाह्यतम 2p इलेक्ट्रॉन विभिन्न p कक्षकों में वितरित हैं, हुंड का नियम, जबकि ऑक्सीजन के चारों 2p इलेक्ट्रॉनों में से दो 2p इलेक्ट्रॉन एक ही 2p ऑर्बिटल में है, फलतः इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बल बढ़ जाता है, इनमें इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बढ़ जाता है जिससे निकलना आसान हो जाता है। ठीक है, फलस्वरूप नाइट्रोजन के तीनों 2p इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने की तुलना में ऑक्सीजन के चारों 2p इलेक्ट्रॉनों में से चौथे इलेक्ट्रॉन को पृथक करना ज्यादा सरल होता है। अतः ऑक्सीजन की प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान नाइट्रोजन से कम होता है। यही काम फ्लोरीन के लिए भी लागू होता है। ठीक है, आप इस तथ्य की व्याख्या किस प्रकार करेंगे कि सोडियम की प्रथम आयनन एंथैल्पी मैग्नीशियम की प्रथम आयनन एंथैल्पी से कम है, किंतु इसकी द्वितीय आयनन एंथैल्पी मैग्नीशियम की द्वितीय आयनन एंथैल्पी से अधिक है। सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन और मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो सोडियम को कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, मैग्नीशियम को ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे तब सोडियम को ज्यादा देनी पड़ेगी और मैग्नीशियम को कम देनी पड़ेगी। तो ये अंतर क्यों होता है, देखिए आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से समझिए। पहले सोडियम और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, 1s2 2s2 2p6 3s1 और मैग्नीशियम का 3s2। तो जब आप सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो, देखिए दोनों में जो कोश की संख्या है वो 3-3 है, मतलब कोश तो बराबर हो गए, मतलब नाभिक में और कोश में जो डिफरेंस है वो लगभग बराबर है। लेकिन मैग्नीशियम में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ गया, तो मैग्नीशियम जो है बाहर के इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा बल के साथ आकर्षित किया हुआ है, इसलिए इसमें सोडियम में कम बल है तो उसका एक इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान होगा मैग्नीशियम के एक इलेक्ट्रॉन निकालने से। तो जब आप एक इलेक्ट्रॉन इसका निकाल देंगे तो कम ऊर्जा से निकलेगा, इसका निकालना चाहेंगे तो ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे तो पहला वाला। जब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं इसके लिए पहले वाले को कम और दूसरे वाले को ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि वैसे भी आवर्त सारणी में वो दाएं ओर स्थित है तो दाएं ओर के लिए ज्यादा आयनन एंथैल्पी होता है मैग्नीशियम के लिए भी। अब देखिए जब आप एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो अब सोडियम में ये बचा लेकिन मैग्नीशियम में अभी भी 3s1 बचा हुआ है, एक ठो बचा हुआ है अभी। जब आप इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे तो निश्चित है कि 2p में से इलेक्ट्रॉन निकालना 3s के इलेक्ट्रॉन को निकालने से ज्यादा मुश्किल रहेगा, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन इससे आसान इससे मुश्किल, दूसरा इलेक्ट्रॉन इससे मुश्किल इससे आसान होता है। इसलिए आयनन एंथैल्पी का मान पहले इलेक्ट्रॉन के लिए अलग होता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए बिल्कुल उलट जाता है मैग्नीशियम में और सोडियम में। उसी चीज को यहां पर लिखा है, एक बार पढ़ देता हूं, कोई गलत चीज लिखा होगा तो बता देता हूं मैं आपको। चूंकि सोडियम परमाणु क्रमांक 11 में मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक 12 की तुलना में कम नाभिक आवेश है, सोडियम की प्रथम आयनन एंथैल्पी मैग्नीशियम की तुलना में कम होगी। ठीक है, प्रथम इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद सोडियम धन आयन में परिवर्तित हो जाता है तथा मैग्नीशियम भी धन आयन में परिवर्तित हो जाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब क्या बचेगा, तो ये अब 2p6 बचेगा और 3s1 बचेगा, तो अब इसमें से निकालना मुश्किल इसमें से निकालना आसान होगा। तो सोडियम 1+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियॉन के समान एक बहुत अधिक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया है, इसलिए सोडियम 1+ से आयन से मैग्नीशियम 1+ आयन की तुलना में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसी कारण से सोडियम की द्वितीय आयनक एंथैल्पी मैग्नीशियम की तुलना में अधिक होती है। प्रथम और द्वितीय बिल्कुल उलट जाते हैं, है ना, किसमें कौन सी आवश्यकता होगी ये बिल्कुल उलट गया है। मुख्य समूह तत्वों में आयनन एंथैल्पी
के किसी समूह में नीचे की ओर कम होने के कौन से कारक हैं। जब समूह में आप नीचे जाते हो तो आयनन एंथैल्पी कम होने के क्या कारण हैं? इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा आसान क्यों होता है? दो मुख्य कारण हैं। पहला कि जैसे जैसे नीचे जाते हो कोश की संख्या बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन दूर होते चले जाते हैं, पहला कारण। इससे नाभिकीय आवेश के साथ उनका आकर्षण बल कम हो जाता है, उनको निकालना आसान होता है, पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि जैसे जैसे कोश की संख्या बढ़ती है, इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है वो आते जाते हैं, इससे परिरक्षण प्रभाव भी बढ़ता है। मतलब बाहर के इलेक्ट्रॉनों और नाभिकी के बीच में अंदर वाले इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, उसके कारण से परिरक्षण प्रभाव हुआ और आकर्षण बल और कम हो गया। इसलिए ऊपर से नीचे वर्ग में जाने पर आयनन एंथैल्पी कम होते चले जाता है। समूह में नीचे जाने पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है, पहली बात। और नीचे जाने पर नए कोश भी जुड़ जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ जाता है। और नीचे जाने पर आंतरिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, इससे बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों पर आवरण प्रभाव घट जाता है। ये तीन ऐसे कारण हैं। पहला मतलब दूसरा और तीसरा कारण मुख्य है कि आकार भी बढ़ता है, परिरक्षण प्रभाव भी बढ़ता है यानी आवरण प्रभाव, उसी कारण से नाभिकीय आवेश और इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम कोष में है उनके बीच आकर्षण बल कम हो जाता है। परमाणु आकार में वृद्धि तथा आवरण प्रभाव का संयुक्त प्रभाव नाभिकीय आवेश में वृद्धि के प्रभाव से अधिक हो जाता है। यह अलग बात है कि नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ती है, लेकिन उनका प्रभाव जितना पड़ता है उससे ज्यादा प्रभाव आकार बढ़ने का पड़ता है, ठीक है। ये प्रभाव इस प्रकार कार्य करते हैं कि नाभिक तथा बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों के मध्य आकर्षण बल कम हो जाता है, परिणाम स्वरूप समूह में नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी कम हो जाता है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे परमाणु का आकार बढ़ रहा है और उनके बीच आकर्षण बल कम हो रहा है, परिरक्षण प्रभाव बढ़ रहा है, परिणाम स्वरूप आयनन एंथैल्पी का मान कम होता चला जाएगा। नेक्स्ट, वर्ग 13 के तत्वों की प्रथम आयनन एंथैल्पी के मान इस प्रकार है, ठीक है। वर्ग 13, ठीक है, तो इसमें बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, इनका आयनन एंथैल्पी 801, 577, 579, 558, 589 है। सामान्य से इस विचलन की प्रवृत्ति की व्याख्या आप किस प्रकार करेंगे? भाई अगर ऊपर से नीचे जा रहे हो तो कंटिन्यूअस कम होना चाहिए, तो इसमें से इसमें तो कम हो गया लेकिन फिर थोड़ा बढ़ गया, फिर कम हुआ, फिर बढ़ गया, ऐसा क्यों हो रहा है कि कभी कभी बढ़ रहा है बीच में? तो इसको समझने के लिए हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझना पड़ेगा, क्योंकि परिरक्षण प्रभाव कहीं पर है कहीं पर नहीं है उसके कारण से, और दूसरा पूर्ण पूरित अर्ध पूरित जो कोश है उनका प्रभाव भी होता है कहीं कहीं पर, इसके कारण से भी कभी कभी बढ़ जाता है आयनन एंथैल्पी। सामान्य परंपरा के अनुसार वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी घटनी चाहिए, लेकिन गैलियम से थैलियम इनके अपवाद हैं, गैलियम तथा थैलियम इनके अपवाद हैं। डी तथा एफ इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव 5 तथा 2 इलेक्ट्रॉनों की तुलना में कम होता है। एस और पी इलेक्ट्रॉन होना चाहिए इसको, एस और पी इलेक्ट्रॉनों की तुलना में कम होता है, ठीक है। गैलियम में 3d इलेक्ट्रॉन होते हैं जबकि थैलियम में 5d तथा 4f इलेक्ट्रॉन होते हैं। कम परिरक्षण प्रभाव के कारण से गैलियम तथा थैलियम परमाणुओं के नाभिकीय संयोजी इलेक्ट्रॉनों को मजबूती से बांधे रखते हैं, इसी कारण से पड़ोसी तत्वों की तुलना में इनके आयनन एंथैल्पी अधिक होती है। तो आकर्षण बल ज्यादा हो जाता है कहीं कहीं पर, इसलिए थोड़ा ज्यादा हो जाता है पहले की तुलना में, जबकि कम होना चाहिए था। सिद्धांत तो ये है। तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में किस तत्व की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक ऋणात्मक होगी, मतलब वो अधिक ऊर्जा देगी? तो ध्यान रखिए कि वर्ग में जितना ऊपर रहेगा वो उतना अधिक ऊर्जा देगा और जितना नीचे रहेगा वो उतना कम ऊर्जा देगा। और अगर हम राइट हैंड में जाएंगे तो ज्यादा ऊर्जा देगा, लेफ्ट हैंड में जाएंगे तो कम ऊर्जा देगा। अब देखिए यहां पर
ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन की तुलना करना है, फ्लोरीन और क्लोरीन की तुलना करना है। मतलब एक में तो ये राइट हैंड में गया है, दूसरे में ये नीचे की तरफ गया है, दोनों की तुलना करनी है। तो राइट हैंड में गया है तो इसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कम है, इसकी ज़्यादा है, और नीचे गए हैं तो इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है, क्योंकि यही सिद्धांत हमने अभी तक पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक ऋणात्मक होगी, मतलब अधिक ऊर्जा देगी। ऑक्सीजन से फ्लोरीन तक जाने में परमाणु आकार घटता है, नाभिक आवेश बढ़ता है, दोनों कारक फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान को अधिक ऋणात्मक बनाते हैं, क्योंकि ये आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए नाभिकीय आकर्षण में वृद्धि करते हैं, और जब आप इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो उसमें से बहुत सारी ऊर्जा निकल जाएगी, तो अधिक ऋणात्मक है। क्लोरीन चूंकि नीचे में है फ्लोरीन की तुलना में, तो नाभिकीय आवेश कम हो जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन लेने में कम ऊर्जा खर्च करेगा, तो फ्लोरीन की ज्यादा ऋणात्मक और क्लोरीन की कम ऋणात्मक। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक ऋणात्मक होती है, गलत लिख दिया है, फ्लोरीन की होगी, फ्लोरीन की अधिक ऋणात्मक होगी, फ्लोरीन सबसे ज्यादा ऊर्जा देगी, फ्लोरीन क्लोरीन उससे कम, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में कम होता जाएगा ऋणात्मकता, कम ऊर्जा देंगे लोग, क्योंकि आकार बढ़ रहा है ना, आकार बढ़ेगा तो ऊर्जा कम खर्च करेंगे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। वो वहां पर गलत उत्तर है, आप थोड़ा सा सुधार लेंगे उसको। नेक्स्ट, आप क्या सोचते हैं कि ऑक्सीजन की द्वितीयक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के समान धनात्मक, अधिक ऋणात्मक, कम ऋणात्मक होगी? अपने उत्तर की पुष्टि करें। पहली बात ये कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखते हैं तो उसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपनी अष्टक पूर्ण करना चाहती है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन लेगी तो ऊर्जा देगी, ऊर्जा देगी का मतलब उसकी ऊर्जा एंथैल्पी जो है वो ऋणात्मक होगी, पहली बात। अब जब पहली इलेक्ट्रॉन लेगी तो उससे कुछ ऊर्जा देगी, फिर दूसरी इलेक्ट्रॉन लेगी तो उससे भी कुछ ऊर्जा देगी, लेकिन अब दिक्कत यह है कि पहली बार जब आप उसको इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वो ऊर्जा काफी मात्रा में दे देगी, लेकिन अब उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ चुका है जो कि उसमें ऋण आवेश चढ़ा चुका है। अब एक और इलेक्ट्रॉन आप देना चाहते हैं तो वो जो ऋण आवेश है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो और आने वाले इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित कर देगा, इसलिए दूसरा इलेक्ट्रॉन देना आपके लिए आसान नहीं होगा। तो आसान नहीं होगा का मतलब उसमें फिर आपको ऊर्जा बाहर से देनी पड़ सकती है, ये है। तो पहली वाली ऋणात्मक होगी और दूसरी वाली धनात्मक होगी, ये पॉसिबल है। देखिए, ये देखिए, एक ऑक्सीजन को पहले एक इलेक्ट्रॉन दिए तो O- बना, इस समय इसने ऊर्जा खर्च किया, ऊर्जा इसमें से निकला, लेकिन अब ये जो माइनस चार्ज है एक और इलेक्ट्रॉन आने को मना करेगी, इसलिए आपको ऊर्जा इसको बदले में देनी पड़ेगी। ये देखिए, O- में से एक इलेक्ट्रॉन और डालते हैं, O2- बनाना चाहते हैं, इस समय आपको ऊर्जा उसको देनी पड़ेगी, वो ऊर्जा नहीं देगी। एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तो ऊर्जा दे दिया उसने, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ऊर्जा खर्च नहीं करेगा, बोलेगा मेरे पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है भैया, एक इलेक्ट्रॉन तो प्रतिकर्षित कर रहा है, मैं क्या करूं, नहीं आने दे रहा है, तो फिर आप बदले में ऊर्जा दोगे, तब वो दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा। तो पहली इलेक्ट्रॉन देने में उसने सिर्फ 141 किलो जूल की ऊर्जा दी थी, लेकिन जब आप उसको दूसरा इलेक्ट्रॉन देना चाहते हो तो उसने 780 किलो जूल ऊर्जा लिया, जितना दिया नहीं उससे ज्यादा ले लिया उसने, कई गुना ज्यादा ले लिया, ये प्रॉब्लम है। तो वो चीज मैंने यहां पर लिखा है, आप देख लेना उसको, ठीक से लिख लेना कि पहली बार इलेक्ट्रॉन दोगे तो ऊर्जा देगी यानी ऋणात्मक होगी, दूसरी बार इलेक्ट्रॉन देना चाहोगे तो ऊर्जा नहीं देगी, ऊर्जा लेगी यानी धनात्मक होगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता में क्या मूल अंतर है? देखिए, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मतलब है आप उसको इलेक्ट्रॉन दे देते हो तो बदले में वो ऊर्जा देगा या लेगा, वो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है। लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता का मतलब है कि जब ये शेयर करके, जैसे मान लो कि ऑक्सीजन है, वो एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर से एक एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा वो साझा किया हुआ है, जिसको अपन सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो साझा के इलेक्ट्रॉनों को अपने तरफ आकर्षित करने की जो पावर होती है वो इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता होती है। दोनों अंतर है, इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो बदले में ऊर्जा देगी लेगी, ये
इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है, लेकिन जब इसने किसी के साथ इलेक्ट्रॉन साझा किया है तो साझा के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ आकर्षित करने की जो क्षमता दम है वो इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, सबसे ज्यादा रहती है फ्लोरीन की, 4 पॉलिंग स्केल में नापते हैं, 4 है ना, ऑक्सीजन की 3.5, नाइट्रोजन की 3, क्लोरीन की 3, हाइड्रोजन की 2.1। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी किसी विलगित गैसीय परमाणु की एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करती है, जबकि विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु के द्वारा सहसंयोजक बंध में साझा के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति है। इस प्रकार ये दोनों गुण एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है, जबकि दोनों एक परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति को ही संदर्भित करते हैं, दोनों ही, लेकिन दोनों की डेफिनेशन बिल्कुल अलग हो गई। सभी नाइट्रोजन यौगिकों में नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता पॉलिंग स्केल पर 3 है, आप इस कथन पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देंगे? ये गलत लिखा है। हालांकि विलगित जो नाइट्रोजन है उसका हम 3 मानेंगे, लेकिन अलग अलग कंपाउंड बनाते समय उनमें वो कितनी विद्युत ऋणात्मकता दर्शा रही है वो अलग हो सकती है, इसलिए ये कहना कि सभी में बराबर है 3 है, ये गलत है। यह कथन विवादास्पद है, क्योंकि एक परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता उसके सभी यौगिकों में स्थिर नहीं होती है, यह संकरण अवस्था तथा ऑक्सीकरण अवस्था के साथ बदलते रहती है। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा NO2 में नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीकरण अवस्थाओं में भिन्नता के कारण से भिन्न होती है। अब इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में हम इसमें बात नहीं करेंगे कि क्यों ऐसा डिफरेंस है, लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये ऑक्सीकरण अवस्था बदलने के कारण से थोड़ी विद्युत ऋणात्मकता बदल जाती है, इसलिए सभी यौगिकों में लगभग बराबर, लगभग तो बराबर हो सकती है लेकिन थोड़ी बहुत अंतर आ सकती है। नेक्स्ट, उस सिद्धांत का वर्णन कीजिए जो परमाणु की त्रिज्या से संबंधित होता है, पहला जब वह इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, दूसरा जब वह इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा तो ऋण आयन बनाएगा, वो परमाणु की त्रिज्या से ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, और जब वो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो धन आयन बनाएगा और उसकी त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से कम हो जाएगी। इस बात को हम पहले के भी एक क्वेश्चन में कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार इसको मैं पढ़ा देता हूँ आपको क्या लिखा है। जब परमाणु एक या अधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है तब ऋण आयन बनता है। परमाणु के ऋण आयन में परिवर्तन के दौरान एक या अधिक इलेक्ट्रॉन परमाणु के संयोजी कोष से जुड़ जाते हैं। नाभिकीय आवेश जनक परमाणु के समान ही रहता है। भाई नाभिक में प्रोटॉन नहीं बढ़ा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो गया, उसके कारण से इलेक्ट्रॉनों के साथ उनका जो आकर्षण है वो थोड़ा कम हो गया, वो थोड़ी दूर चले जाएंगे। संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि इलेक्ट्रॉनों द्वारा परस्परी परिरक्षण की अधिकता के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश को कम कर देती है, परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन मेघ विस्तृत हो जाता है और आयनिक त्रिज्या बढ़ जाती है। ये बात तो मैं शुरू से बता रहा हूँ आपको कि आप इलेक्ट्रॉन दे दोगे किसी को तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी, कई कारण है उसके पीछे। दूसरा, इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो क्या होता है, नाभिकीय आवेश प्रभावी बढ़ जाता है और ज़्यादा पावर से खींचता है बचे इलेक्ट्रॉनों को, तो ज़्यादा पावर से बांध लेता है। अब आप वो ज़्यादा पास में आ जाएंगे तो फिर वो परमाणु की त्रिज्या की तुलना में जो धन आयन की त्रिज्या है वो कम हो जाएगी। जब परमाणु एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तब धन आयन बनता है। इस प्रकार प्राप्त धन आयन सदैव अपने जनक परमाणु से आकार में छोटा होता है, ऐसा निम्नलिखित कारणों से होता है। पहला, संयोजी कोष के विलोपन द्वारा कुछ स्थितियों में इलेक्ट्रॉन त्यागने पर संयोजी कोष को पूर्णतः विलोपित हो जाता है। जैसे सोडियम है, देखिए सोडियम का 11 होता है, ठीक है, यानी कि 2, 8 और 1 तीसरे कोष में, अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते तो तीसरा कोष गायब हो गया, सिर्फ 2 कोष बचे। तो जब एक कोष ही गायब हो गया तो पहले से छोटा हो गया, तो कोष की कमी हो गई तो छोटे हो गए, ठीक है, ऐसा है। बाह्यतम कोष विलुप्त होने के कारण धन आयन के आकार में कमी आ जाती है, पहला कारण यह हुआ। दूसरा, नाभिकीय आवेश बढ़ गया, मतलब प्रभावी वाला, तो ज्यादा पावर से खींचेगा बचे इलेक्ट्रॉनों को तो और छोटा कर लेगा, ज्यादा पास में ऐसे पकड़ के रख लेगा। जैसे मान लो कि एक महिला के 4 बच्चे हैं, एक बच्चे को कोई ले गया तो बाकी 3 बच्चों को ज्यादा पावर से वो पकड़ के रख लेगी ताकि इसको कोई मत ले जाए, इस तरह से पावर बढ़ जाता है, ज्यादा पास में ले आती है।
प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि के द्वारा धनायन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जनक परमाणु से कम हो जाती है, कुल नाभिकीय आवेश समान रहता है तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दृढ़ता से जुड़े रहते हैं जिसके कारण से आकार में कमी आ जाती है। ठीक है, किसी तत्व के दो समस्थानिकों की प्रथम आयनन एंथैल्पी समान होगी या भिन्न होगी, आप क्या मानते हैं? अपने उत्तर की पुष्टि करें। किसी तत्व के दो समस्थानिक, समस्थानिक का मतलब होता है कि सिर्फ उसमें परमाणु भार बढ़ता है, न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ती है, उनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। जैसे मान लो आप कार्बन कहते हैं तो कार्बन का 12 वाला, 13 वाला और 14 वाला तीन परमाणु भार वाले हैं, लेकिन इन सभी में 6-6 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आयनन एंथैल्पी नाभिकीय आवेश यानी कि प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है जो कि सभी में समान है, इसलिए इनकी जो आयनन एंथैल्पी है वो एक समान होगी। धातु अधातु में मुख्य अंतर क्या है? आप जैसे जैसे राइट हैंड में जाते हो उसमें अधातुओं का गुण बढ़ते जाता है, और जैसे जैसे लेफ्ट में आते जाते हो अधातुओं से धातुओं का गुण बढ़ते जाता है। ऊपर से नीचे जाएंगे तो धातु बढ़ेंगे, बाजू में जाएंगे राइट हैंड में तो अधातु बढ़ेंगे, पहली बात गुण। ठीक है, धातुओं में विद्युत के सुचालकता, ताप की सुचालकता, इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, ये सब विशेषता है, अधातुओं में नहीं है, तो बहुत सारे अंतर हैं। धातुएं विद्युत धनात्मक तत्व हैं तथा एक या अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धन आयनों का निर्माण करते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, मैग्नीशियम, ये सब जो है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, जबकि अधातु जो है जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन वगैरह अधातु हैं, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन त्याग के धनायन बनाना धातुओं के द्वारा और अधातुओं के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाना, ये इनकी मुख्य विशेषताएं हैं। तो एक बात आप समझ लीजिए कि जो तत्व या परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है वो स्वयं आक्सीकृत हो गया लेकिन सामने वाले को अपचयित कर गया, इसलिए क्योंकि अपचयन और आक्सीकरण आप समझते होंगे, मैं बता देता हूं एक बार, इलेक्ट्रॉन का निकलना आक्सीकरण है और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन है, ध्यान दीजिए। तो मान लो ये कोई धातु है, देखिए मैं आपको समझाता हूं इसको एक तरीके से, देखिए जैसे कि ये कोई धातु है, लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम कोई धातु है, ये कोई अधातु है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई अधातु है। अब देखिए कि धातु ने अपना इलेक्ट्रॉन त्यागा और इसको दे दिया, मतलब स्वयं तो आक्सीकृत हुआ लेकिन इसको अपचयित कर गया, मतलब ये एक प्रकार का अपचायक है, खुद आक्सीकृत हुआ है लेकिन इसको अपचयित कर दिया इसलिए ये अपचायक है, जबकि ये खुद अपचयित हुआ है लेकिन सामने वाले को आक्सीकृत कर दिया है इसलिए ये आक्सीकारक होगा, ये आक्सीकृत होके सामने वाले को अपचयित किया इसलिए ये अपचायक हुआ, ये अपचयित होके सामने वाले को आक्सीकृत किया इसलिए आक्सीकारक होगा, मतलब जो आक्सीकृत होता है वो अपचायक होता है और जो अपचयित होता है वो आक्सीकारक होता है। इस एक विशेष बात को अगर आप समझ जाएंगे तो आपको आक्सीकरण अपचयन वाले चैप्टर में भी समझाने में दिक्कत नहीं होगा, समझने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये एक अपचायक के रूप में कार्य करते हैं, धातुएं इलेक्ट्रॉन दे देते हैं सामने वाले को अपचयित करते हैं, इनकी आयनन एंथैल्पी कम होती है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी कम ऋणात्मक होती है, विद्युत ऋणात्मकता भी कम होती है, सभी चीजें कम है, ये बेसिक ऑक्साइड्स बनाती हैं, मतलब इनके जो ऑक्साइड हैं वो क्षारीय होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षारीय है। ठीक है, दूसरी तरफ अधातुएं विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करते हैं तथा अपने संयोजी कक्ष में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ठीक है, ये आक्सीकारक के रूप में कार्य करती हैं, इनकी आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, विद्युत ऋणात्मक सब अधिक होते हैं, ये अम्ली ऑक्साइड बनाते हैं। ये दो तीन चीजों को आप विशेष ध्यान रखेंगे कि इनके ऑक्साइड कैसे हैं, तो अम्ली हैं।
जबकि इनके क्षारीय ऑक्साइड है। ठीक है, नेक्स्ट आवर्त सारणी का उपयोग करते हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, उस तत्व का नाम बताइए जिसके बाह्यतम उपकोष में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। दूसरा, उस तत्व का नाम बताइए जिसकी प्रवृत्ति 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की हो। तीसरा, उस तत्व का नाम बताइए जिसकी प्रवृत्ति 2 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की हो। चौथा, उस वर्ग का नाम बताइए जिसमें सामान्य तापक्रम पर धातु, अधातु, द्रव और गैस उपस्थित हो। ठीक, सभी चीजें उपस्थित होना चाहिए। बढ़िया, पहला है उस तत्व का नाम बताइए जिसके बाह्यतम उपकोष में 5 इलेक्ट्रॉन हो। तो पहले वाले का उत्तर है फ्लोरीन। ये देखिए, बाह्यतम उपकोष क्या है? दूसरा, दूसरे में 2s² 2p5 है, तो टोटल हो गया 7। ठीक है, आपको दूसरा बाह्य उपकोष का नाम पूछ रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो 5 इलेक्ट्रॉन यहां पर है, देख सकते हैं। उस तत्व का नाम बताइए जिसकी प्रवृत्ति 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने की हो। तो मैग्नीशियम अपने अंतिम 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके Mg2+ बनाने की कोशिश करता है। कैल्शियम के लिए भी लिख सकते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब 2 है ना। उस तत्व का नाम बताइए जो 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहते हो। तो ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ऑक्सीजन 2- बनाते हैं। उस वर्ग का नाम बताइए जिसमें सामान्य ताप पर धातु, अधातु, द्रव, गैस सब उपस्थित हो। ठीक है, तो एक तो द्रव धातु कौन सा है? तो द्रव धातु मरकरी है, जो वर्ग 12 में है, और गैलियम है, जो वर्ग 13 में है। गैलियम हालांकि 29 डिग्री में पिघलता है, तो सामान्य तापक्रम पर भी यह भी पिघल जाता है जहां तक है। ठीक है, द्रव अधातु ब्रोमीन है, जो वर्ग 17 में है। ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो वो वर्ग है ना, तो वर्ग 12 है, 13 है, 17 है, ऐसा वर्ग बता रहे हैं अपन। गैसी अधातुएं फ्लोरीन तथा क्लोरीन वर्ग 17 में है, ऑक्सीजन वर्ग 16 में है, नाइट्रोजन वर्ग 15 में है, ये सभी गैसी अधातु हैं। ठीक है, तो उतने सारी चीजें हमने इस प्रश्न के उत्तर में लिखा है। प्रथम वर्ग के तत्वों के लिए अभिक्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम है, लिथियम से ज्यादा सोडियम से ज्यादा पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, जबकि वर्ग 17 के तत्वों में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में कम होता जा रहा है, इसकी व्याख्या करें। देखिए, प्रथम वर्ग की क्रियाशीलता इलेक्ट्रॉन त्यागने पर आधारित है, तो जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन बाह्य कोष में जाते जाते हैं, तो आराम से इलेक्ट्रॉन त्यागना उनको आसान होते चले जाता है। तो प्रथम वर्ग जिनकी क्रियाशीलता इलेक्ट्रॉन देने पर आधारित है, ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति बढ़ती है, इसलिए क्रियाशीलता बढ़ती है। वर्ग 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी जो क्रियाशीलता है वो इलेक्ट्रॉन लेने पर आधारित है, और जैसे जैसे वर्ग में नीचे जाओगे इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता घटती है, देने की क्षमता बढ़ती है, यह हर वर्ग के लिए है। तो जो इलेक्ट्रॉन देने पर आधारित क्रियाशीलता है तो बढ़ेगी नीचे जाने पर, क्योंकि देने की प्रवृत्ति बढ़ती है। देखिए, जिनकी क्रियाशीलता लेने पर आधारित है, तो चूंकि नीचे जाने पर लेने की प्रवृत्ति घटती है, इसलिए इनकी प्रवृत्ति घट रही है। ठीक है, SPDF ब्लॉक के तत्वों का सामान्य बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। ठीक है, S ब्लॉक तत्व जिसमें NS 1 से लेकर 2 रहेगा, NS1 या NS2। P ब्लॉक में NS² तो पूरा रहेगा, NP 1 से 6 रहेगा। D ब्लॉक में जो है N-1D रहेगा। ठीक है, जैसे कि 3D 1 से लेकर 10 और 4S 1 से लेकर 2, ऐसा लिखेंगे अपन, इसलिए बाह्यतम कोष से एक कोष कम रहता है D। ठीक है, और F ब्लॉक तो एक और कम रहेगा, इससे कम रहेगा। ठीक है, ये देखिए, सबसे बाहर में N है तो S है, N के साथ S है, उससे पहले वाले में D है और उससे पहले वाले में F है, तो N-2 F 1 से 14, N-1 D 0 से 1। ठीक है, और N² ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आखिरी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, एक दो क्वेश्चन और हैं, इनको भी हम करना चाहते थे, लेकिन
देखते हैं, अभी समय रहेगा तो अभी जितना हो सके, फिर उसके बाद हम बाकी को नेक्स्ट क्लास में कर देंगे, या नहीं तो वैसे ही वैसे क्वेश्चन तो आ रहे हैं, आप इनको खुद से भी कर सकते हैं। तो ये दो क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, फिर बाकी क्वेश्चन आप खुद से कर लेना, मैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाना शुरू करूँगा। ठीक है। एक तत्व जिसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित है उसका स्थान आवर्त सारणी में बताइए। तो ये है एन एस स्क्वेयर एन पी फोर, और जिसके एन है 3, यानी कि 3s² 3p4, ये हो गया। दूसरा है ये जिसमें एन बराबर 4 है, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे, ऐसा है। 6 है तो ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 4 हो गया। अब इनका पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो 1s² 2s² 2p6, 3s² 3p6, 4s² 3d, ऐसा लिखना चाहेंगे अपन, है ना? तो पूरा लिखते जाएंगे अपन। तो पहला है दिया गया तत्व तीसरे आवर्त n बराबर 3 में उपस्थित है। आवर्त सीधे सीधे समझ में आता है, n बराबर जितना लिखा वही उसका आवर्त है। ठीक है। इसके संयोजी कक्ष में 6 2 धन 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। देखिए, ये 2 और 4 इसके संयोजी कोष में, यानी 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो यह एक पी ब्लॉक तत्व है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पी उपकक्ष में प्रवेश करता है। ये देखिए, पी उपकक्ष में है, जिसलिए पी ब्लॉक का एलिमेंट है। वर्ग की संख्या 10, धन संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप जोड़ दीजिए 16। इस प्रकार ये 16वें वर्ग का तत्व है, और यह तत्व सल्फर है। ठीक है। 32, 32 नंबर इसमें रहेंगे इलेक्ट्रॉन, 32 रहेंगे। दूसरा दिया गया तत्व चौथे आवर्त n बराबर 4 में उपस्थित है, और ये एक डी ब्लॉक तत्व है। डी ब्लॉक क्यों? क्योंकि डी ब्लॉक इसमें अपूर्ण है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन को, कि इसमें डी ब्लॉक अपूर्ण है। डी ब्लॉक में अधिकतम जो है 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर 2 ही दिख रहे हैं, तो वो अधूरा है। वर्ग की संख्या कौन सी होगी? 2 धन n-1d इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो n-1 में 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2 कर देंगे अपन तो 4 हो जाएगा। इस प्रकार यह तत्व चौथे आवर्त तथा समूह 4 में स्थित है, यह टाइटेनियम है। ठीक है, ऐसा हम लिखेंगे। दिया गया तत्व छठवें आवर्त में स्थित है, क्योंकि n बराबर 6 लिखा है। यह एक f ब्लॉक तत्व है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन f में भर रहे हैं। यह तत्व वर्ग 3 में स्थित है, क्योंकि सभी एफ ब्लॉक के तत्वों को तीसरे वर्ग में रखा गया है। यह तत्व गैडोलिनियम है, गैडोलिनियम। ठीक है बॉस। बाकी क्वेश्चन आप लोग करिएगा, लगभग वही वही सब क्वेश्चन आ रहे हैं। अब मैं अगले क्लास में आपको नेक्स्ट चैप्टर चौथा चैप्टर पढ़ाना शुरू करूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, बाय।